जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपकमिंग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे Realme Narzo के मोबाइल में, एंड यहाँ पे दोस्तों Realme UI 2.0 3.0 के भी अपडेट कुछ डिवाइस को मिलने वाले हैं आज से लेके 15 दिन के अंदर अंदर तक। सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, कौन से नए फीचर्स, कौन से अपडेट किन डिवाइस को मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओल्ड डिवाइसेस के, जैसे कि रियलमी 3i के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब इन डिवाइस को ना ही सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीचर। जैसे रियलमी 5 सीरीज़ को एक अपडेट मिला है C.79 वाला, 2 महीने के बाद ही अपडेट मिला है। इसका ब्रीफ मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों आपको यही चीज़ें मिलती है, थोड़े बहुत यहाँ पर बग्स फिक्स कर दिए जाते हैं एंड सिक्योरिटी अपडेट के साथ साथ कुछ इंप्रूवमेंट भी मिलता है देखने को। बट इन फ्यूचर भी यही अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। Realme 5 सीरीज, Realme 6 एंड 7 सीरीज में भी यही अपडेट मोस्टली मिलने वाले हैं। 6 सीरीज का तो भैया ऐसा हुआ है कि यहां पे Realme UI 3.0 का अपडेट नहीं मिला है, जबकि ये जो डिवाइस थी 15,000 के ऊपर वाली डिवाइस थी। पर यहां पे भी जो अभी अपडेट लेटेस्ट मिला है, इसमें भी देख सकते हो आप बग्स फिक्स रहेगा एंड कुछ यहां पे सिक्योरिटी पेज अपडेट के साथ साथ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पे मार्च में आ जाता हूँ और मार्च में आप देख सकते हो इन सभी डिवाइसेस को यहाँ पे अपडेट मिल रहे हैं, जिसमें 7 एंड 8i सीरीज भी है। जैसे रियलमी यू आई 3.0 का अपडेट मिलने के चांसेस है, मार्च के एंड में इन डिवाइस को जो है अपडेट मिल सकता है। जैसे हम यहाँ पे फरवरी की भी बात करें तो फरवरी में 1 से लेकर 15 फरवरी तक यहाँ पर जो है अभी जो डिवाइस है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ही डिवाइस को सबमिट किया गया है, X7 Pro 5G एंड Realme C25। तो X7 Pro जो 5G है इसे दोस्तों 1 से 15 फरवरी के बीच में Realme UI 3.0 अर्ली एक्सेस मिल जाएगा एंड 15 के बाद तक यहाँ पे जो अपडेट है फरवरी में C25 को अर्ली एक्सेस मिल जाएगा Realme UI 3.0 का। तो जो आपके पास डिवाइस है तो जरूर से रेडी रहिएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जनवरी के महीने में कुल इन डिवाइसेस को यहाँ पे अपडेट मिला था Realme UI 3.0 का, जिसमें आप देख सकते हो Realme 7 Pro 8 और कुछ ऐसी डिवाइसेस जो बहुत ही कम सीट्स मिली थी जिन्हें यहाँ पे अपडेट नहीं मिला था। यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे पास में भी Realme 8 डिवाइस है एंड इसमें जो रिक्वायरमेंट थी A.24 अपडेट की Realme UI 3.0 अर्ली एक्सेस के लिए यहाँ पे मुझे मिल चुका है। बट ट्रायल वर्जन में अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे जो है ट्रायल वर्जन नहीं है। आप लोगों के साथ भी मोस्टली ऐसा ही हो रहा होगा, Realme कम्युनिटी मेंबर्स को ही ये अपडेट मिले हैं एंड बहुत से यूट्यूबर्स ने फेक स्क्रीनशॉट एंड फेक एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देकर ऐसे वीडियो बनाए कि भैया यहाँ पे Realme UI 3.0 का जो अपडेट है Realme 8 में मिल चुका है। फिलहाल दोस्तों ये जो अपडेट है फर्स्ट पेज में मुझे नहीं मिल पाया, सेकंड पेज में जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है इसका जो रियल रिव्यू है रियल एंटीटू बेंचमार्क स्कोर के साथ जरूर से मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब बात करते हैं दोस्तों लेटेस्टली लॉन्च हुए Realme 9i की। तो 9i 9 सीरीज़ का एक पहला मोबाइल है जो कि अभी लॉन्च हुआ है एंड इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियोस जो है रिव्यू में बना चुका हूँ। इस डिवाइस में भी एक अपडेट यहाँ पे रखा हुआ है, E.10 का ये अपडेट है एंड इसे दोस्तों यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया है एंड आप चाहो तो मैं इसके लिए रिव्यू वीडियो लेके आ सकता हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इसमें भी जो है अभी बग्स फिक्स वाले ही अपडेट आएंगे एंड सिक्योरिटी पेच अपडेट मिल सकता है। कैमरे से रिलेटेड कुछ बग्स यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं क्योंकि कैमरे में थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे जो लैगिंग इशू लगा है, फोकसिंग इशू लगा है, तो शायद से इससे रिलेटेड जो है अपडेट Realme 9i सीरीज़ में अपकमिंग मिल सकता है। एंड इस डिवाइस में मुझे एक एक्स्ट्रा फीचर मिला था बैकग्राउंड स्ट्रीम का, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना चुका है। ये भी जो फीचर है ये भी अपकमिंग Realme UI 2.0 अपडेट में 3.0 अपडेट में मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों इस फीचर का जो यूज़ है पॉकेट मोड की तरह ही होता है, मोस्टली यूट्यूब जैसी ऐप्स में ही ये वर्क करता है। इसमें अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इस ऐप के अंदर एंट्री करके अगर इस बटन को टैप करते हो स्ट्रीमिंग वाली, तो ये जो है यहाँ पे मोबाइल ऑफ होने के बाद भी जो है ऑडियो जो है इसका वर्क करता है। तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल फीचर है जो कि अपकमिंग अपडेट में Realme UI 2.0 3.0 में मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग जो फीचर था रैम एक्सपेंशन वाला, वो 8 सीरीज़ को लगभग यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन 6, 7 एंड X7 जैसी जो सीरीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बिकी थी, इन सीरीज़ को ये अभी तक अपडेट नहीं मिला है। OTA अपडेट के थ्रू रियलमी ने बोला था कि मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 6 में तो शायद ज़्यादा ही डिले हो जाए, बट 7 और जो सीरीज़ है X7 इसमें Realme UI 3.0 अपडेट के बाद ही ये फीचर देखने को मिलेगा।
क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी का ध्यान अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में नए फ़ोन लाने के लिए है और ओल्ड डिवाइस को वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। X7 डिवाइस मेरे हाथ में है दोस्तों, एंड यहाँ इस डिवाइस को मोस्टली अपडेट नहीं मिला है। गूगल फीड यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कलर स्टिल रियलमी यूआई 3.0 का ग्लांस यूज़ कर रहा हूँ एंड स्मार्ट साइड पर भी रियलमी यूआई 3.0 वाला ही है। मोस्टली जो ऐप है जैसे कि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग ऐप नहीं वर्क करता था, बट कॉल रिकॉर्डिंग ऐप यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। रियलमी का ओल्ड डायलर है और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इवन दोस्तों जो गेम स्पेस है इसमें भी वॉइस चेंजर वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये सब जो एपीके है हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं जो कि सिस्टम ऐप अपडेट का ग्लोबल ग्रुप है। फ़ोन मैनेजर ऐप भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्लोबल वर्जन इंडियन ग्लोबल वर्जन है जिसमें क्लीनअप और एंटीवायरस ऐप भी अवेलेबल है। अगर इन सारी ऐप्स को आप ओटी अपडेट से पहले ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी होगी अतुल टेक बाजार चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, ओप्पो रियलमी सिस्टम ऐप के पहले ग्लोबल ग्रुप की। दोनों ही टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सिस्टम ऐप के अपडेट आपको पहले मिलते रहें। यहाँ पे दोस्तों एक सीक्वेंस में तीनों ही मोबाइल रखे हैं, आप मुझे सीक्वेंस वाइज बताइएगा कि ये कौन से मोबाइल हैं कमेंट सेक्शन में, और जिसका जो आंसर सही होता है मैं उसे अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।